दोस्तों इस वीडियो में ना हम जिस प्रोडक्ट का रिव्यू करने वाले हैं ये आपके स्किन केयर रूटीन के एक स्टेप को कम करने वाला है, क्योंकि इसको आप एज ए मॉइस्चराइजर भी यूज कर सकते हैं एंड एज ए सनस्क्रीन भी यूज कर सकते हैं। ये आता है हाइड्रा सन की तरफ से और इसका नाम है मॉइस्चराइजिंग सनस्क्रीन क्रीम। सबसे पहले मैं आपको बता देता हूं कि इस प्रोडक्ट को एज ए रिव्यू यूनिट हमें सेंड किया गया था, लेकिन मेरी कंडीशंस बिल्कुल क्लियर थी कि मैं पहले प्रोडक्ट को अच्छे से यूज करूंगा, जो भी इफेक्ट मुझे लगेगा वही चीज मैं अपने व्यूअर्स के साथ शेयर करूंगा। तो इस रिव्यू में आपको सारी चीजें पता चल जाएंगी। चलिए दोस्तों स्टार्ट करते हैं इस रिव्यू को। दोस्तों जब भी आप मार्केट से सनस्क्रीन खरीदने जाते हो तो सबसे पहले आप क्या देखते हो, मैं बताऊं, सबसे पहले आप देखते होंगे सनस्क्रीन का ब्रांड कि सनस्क्रीन किस ब्रांड की है, क्योंकि दोस्तों आज भी हम में से काफी लोग ऐसे हैं जो कि ब्रांड को देखकर सनस्क्रीन खरीदते हैं और जो वो पुराने वाले ब्रांड्स चल रहे हैं ना उनकी सनस्क्रीन ही खरीद लेते हैं। और आपको बता देता हूं कि वो जो पुरानी वाली क्रीम्स है ना उसमें से मोस्टली क्रीम्स में भर भर के केमिकल्स डाले होते हैं जो कि एकदम से आपकी स्किन को चाहे डैमेज ना करें लेकिन लॉन्ग रन में आपकी स्किन को डैमेज कर देती है। तो मेरे कहने का मतलब है कि ब्रांड को देखकर सनस्क्रीन आपने नहीं खरीदनी है। दूसरी चीज आप देखते होंगे सनस्क्रीन का प्राइस। अक्सर हमारी मेंटालिटी होती है कि जो क्रीम हमें सस्ती लगती है हम उसको खरीद लेते हैं, लेकिन दोस्तों सनस्क्रीन के केस में आपने ऐसा नहीं करना है। अगर आप उन सस्ती क्रीम्स के पीछे पड़ गए ना तो उनके जो हार्मफुल इफेक्ट्स होंगे ना उसको ठीक करने के लिए आपका और काफी ज्यादा पैसा खर्च होगा। तो आपने सिर्फ ये चार चीजें देखनी है जो मैं अभी आपको बताने वाला हूं। अगर ये चारों चीजें आपको सनस्क्रीन में मिल रही हैं तो आप उस सनस्क्रीन को खरीद सकते हैं, आपको काफी अच्छा इफेक्ट उस सनस्क्रीन से मिलेगा। पहली जो चीज आपने देखनी है कि क्या उस सनस्क्रीन में आपको ब्रॉड स्पेक्ट्रम मिल रहा है। ब्रॉड स्पेक्ट्रम का मतलब क्या वो सनस्क्रीन UVA एंड UVB रेज से प्रोटेक्शन प्रोवाइड करने वाली है। जो UVA रेज होती हैं वो स्किन की इनर लेयर को इफेक्ट करती हैं और जो UVB रेज होती हैं वो स्किन की आउटर लेयर को इफेक्ट करती हैं, और स्किन के लिए ये दोनों ही रेज हार्मफुल हैं अगर आप ज्यादा देर सन के साथ डायरेक्ट एक्सपोजर में रहते हो। इतनी ज्यादा हार्मफुल हैं कि सीरियस स्किन इश्यूज कॉज कर सकती हैं, यहां तक कि स्किन कैंसर तक भी कॉज कर सकती हैं। तो यहां तक आपको समझ आ गया होगा कि जो ब्रॉड स्पेक्ट्रम है वो कितना ज्यादा इंपॉर्टेंट है। सनस्क्रीन में दूसरी चीज जो आपने देखनी है वो है उसका SPF, और SPF यानी सन प्रोटेक्शन फैक्टर। इसका एक सिंपल सा रूल है कि जितना ज्यादा SPF होगा उतनी ज्यादा अच्छी प्रोटेक्शन सनस्क्रीन ऑफर करेगी सन की हार्मफुल यूवी रेज से। नॉर्मली जो 30 SPF है वो काफी अच्छा माना जाता है, उससे ज्यादा SPF मिल रहा है तो वो बहुत अच्छी है। तो तीसरी चीज जो इंपॉर्टेंट है किसी भी सनस्क्रीन को परचेज करते वक्त वो है उसकी फिनिश। अगर वो ऑयली फील दे रही है या फिर कोई ग्रीसी लुक दे रही है तो उसको आप अवॉइड कर सकते हो, क्योंकि उस सनस्क्रीन से इजीली आपकी स्किन में पिंपल्स वगैरह आ सकती हैं। और फोर्थ एंड लास्ट चीज जो आपने देखनी है किसी भी सनस्क्रीन को परचेज करते वक्त वो है उसके इंग्रेडिएंट्स। अगर उसके इंग्रेडिएंट में आपको एक भी हार्मफुल केमिकल मिल गया जैसे कि पैराबेन, सिलिकॉन, सल्फेट, तो फिर आपने उस सनस्क्रीन को वहां पे ही छोड़ देना। अब दोस्तों अगर मैं बात करूं इस हाइड्रा सन की मॉइस्चराइजिंग सनस्क्रीन क्रीम की तो इसका जो ओवरऑल इफेक्ट है वो मेरे को काफी अच्छा लगा है। सबसे पहले तो जैसे हम इस क्रीम को स्किन पे यूज करते हैं ना तो क्योंकि इसमें लाइट वेट फॉर्मूला का यूज किया गया है तो स्किन को काफी लाइट रखती है और एक ट्रांसपेरेंट थिन लेयर आपके स्किन पे फॉर्म कर लेती है। पर मेरे को इसकी ये चीज बहुत अच्छी लगी कि इससे आपको कोई भी ग्रीसी फील नहीं आती और इसकी जो फिनिश है ना उसमें भी आपको मैट लुक मिल जाती। तो अगर आपको मैट फिनिश पसंद है उस केस में भी ये सनस्क्रीन आपको काफी अच्छी लगने वाली है। चलिए बात करते हैं इसकी फ्रेग्रेंस की। तो इससे आपको हल्की सी फ्रेग्रेंस मिलती है लेकिन फ्रेग्रेंस काफी अच्छी है। और वैसे ये क्रीम यूनिसेक्स है, मतलब इसको मेंस भी यूज कर सकते हैं और इसको वुमेन्स भी यूज कर सकती हैं। इसको यूज करने की जो मिनिमम एज है वो 3 साल से ऊपर होनी चाहिए। और दोस्तों जो इसका सबसे हाईलाइट फीचर है कि इसको हम एज ए मॉइस्चराइजर भी यूज कर सकते हैं एंड एज ए सनस्क्रीन भी यूज कर सकते हैं। इस इफेक्ट को मैंने खुद एक्सपीरियंस करा है। जैसे इस क्रीम को हम एक बार यूज कर लेते हैं तो करीब 5-6 घंटे तक स्किन में काफी अच्छा मॉइस्चर बना के रखती है। तो चाहे आपकी स्किन ड्राई है, चाहे ऑयली है, चाहे आपकी कॉम्बिनेशन स्किन है, तब भी आप इस क्रीम को यूज कर सकते हैं। और जहां तक सन की हार्मफुल यूवी रेज से प्रोटेक्शन का सवाल है तो इससे आपको काफी अच्छी प्रोटेक्शन मिलने वाली है क्योंकि इसमें ब्रॉड स्पेक्ट्रम आपको मिल रहा है। SPF इसका 30 है जो कि ठीक है, अगर थोड़ा और होता तो
तो और अच्छा होता। लेकिन दोस्तों इस ब्रांड ने इस SPF को काफी अच्छे से मेंटेन किया है, मतलब जैसे इसको यूज करते हैं ना तो स्किन पे कोई भी थिक लेयर सी फॉर्म नहीं होती और स्किन बिल्कुल भी आपको बारी बारी नहीं लगती, तो ये चीज मेरे को काफी अच्छी लगी। और जो हार्मफुल केमिकल्स जैसे कि पैराबिन्स हैं वो इसमें यूज नहीं किए गए। उसके अलावा मॉइस्चराइजिंग के लिए आपको इसमें शिया बटर का यूज किया हुआ मिल जाएगा। अब दोस्तों ओनली चीज जो मुझे इस क्रीम की अच्छी नहीं लगी है कि इससे आपको कोई व्हाइटनिंग इफेक्ट नहीं मिलता, मतलब अगर आपको फेयरनेस इफेक्ट चाहिए ना वो आपको इस क्रीम से नहीं मिलेगा। एक चीज है कि अगर आपकी स्किन में थोड़े बहुत दाग धब्बे हैं तो उसको जरूर ये हाइड कर देती है, लेकिन अगर ज्यादा बड़े दाग धब्बे हैं तो उस केस में इस क्रीम से हेल्प आपको नहीं मिलेगी। इसके प्राइस की बात करूं तो हमारे पास जो इसकी पैकेजिंग थी वो थी 50 ग्राम्स की, और यहाँ पे जो इसका प्राइस लिस्टेड है वो है 499 रुपीज। नीचे डिस्क्रिप्शन में आपको लिंक दिया रहेगा, अगर आप उस लिंक की मदद से इसे खरीदोगे तो आपको ये काफी सस्ते प्राइस में मिल सकती है। तो दोस्तों आई होप कि आपको वीडियो पसंद आई होगी, अगर आपको वीडियो थोड़ी सी भी अच्छी लगी है तो इसको लाइक करना और इस वीडियो को अपने दोस्तों के साथ भी शेयर करना। अगर आप चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, आपके लाइक एंड सब्सक्राइब से हमें मोटिवेशन मिलती है नई वीडियो बनाने की, तो इतना काम आप जरूर करना। और अगर आपको ये लॉन्ग प्रोडक्ट रिव्यूज देखना पसंद नहीं है तो आप मेरे को इंस्टाग्राम पे फॉलो कर सकते हैं, वहां पे आपको ये सारे प्रोडक्ट रिव्यूज रील्स की फॉर्म में मिल जाएंगे। तो मेरे जो इंस्टाग्राम का लिंक है वो भी आपको नीचे डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। तो दोस्तों जल्दी मिलेंगे एक और नए प्रोडक्ट रिव्यू के साथ, तब तक के लिए जय हिंद।